नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बीमारी एनूरिया के बारे में बताऊंगा। एनूरिया का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में पेशाब होना या पेशाब करने में परेशानी, यानी कि आप 100 मिलीलीटर क्वांटिटी में आपका पेशाब होता है तो इसको एनूरिया कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बीमारी के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या क्या कॉजेज होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनूरिया। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लाइव कंसल्टेशन में आप अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एनूरिया का मतलब ये होता है कि जो आप पर डे 100 मिलीलीटर यूरिन आउटपुट होता है, आपका जो यूरिन का आउटपुट है वो 100 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होता है और यूरिन पास करने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही दर्द का अनुभव होता है और बहुत कम मात्रा में पेशाब होना, इसी को एनूरिया कहा जाता है। क्या क्या कॉजेज हैं दोस्तों एनूरिया के? कॉजेज हैं, अगर आपको बहुत पुरानी किडनी डिजीज़ है, बहुत दिनों से आपको किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी स्टोन है या किडनी में ट्यूमर हो गया है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया है, मेलिग्नेंट ग्रोथ हो गया है या फाइब्रस ग्रोथ हो गया है या उसमें सूजन आ गई है या आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेटाइटिस हो गया है या आप सिस्टाइटिस के शिकार है या यूरेथ्रा में प्रॉब्लम हो गई है, आपके जो यूरिनरी ब्लडर है वो आउटपुट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होने पे भी इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे भी एनूरिया के चांसेस हो जाते हैं। तो ये थे इसके कारण। अब मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पेशाब बहुत कम होगा तो बॉडी में फ्लूड की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी आपके पूरे बॉडी में फ्लूड की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी और जब कभी भी आप यूरिन पास करेंगे उस समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, उसमें जलन होगी और पेशाब थोड़ा थोड़ा करके होगा, बूंद बूंद करके होगा, थोड़ा होने के बाद फिर थोड़ा होगा, फिर होगा, ऐसे करके एक पैराक्सिज्मल कंटिन्यूसली दर्द होता रहेगा और यूरिन बूंद बूंद करके भी इसमें होते हैं। साथ ही साथ आपको पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा और इससे आपको रेस्टलेसनेस हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें आपको ई कोलाई भी हो जाते हैं, क्योंकि संक्रमण हो जाता है, ई कोलाई का भी संक्रमण हो जाता है और फीवर आ जाता है और पेनफुल यूरिनेशन होता है और यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आ जाते हैं और कभी कभी यूरिन मोटा भी होने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेंगे। अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखने को मिलते हैं तो होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सिर्फ एक मेडिसिन से आप एनूरिया की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है? वो है कैंथेरिस। दोस्तों, कैंथेरिस में हम क्या देखते हैं कि कैंथेरिस में जो आपका प्रॉब्लम है उसमें अगर किडनी फेलियर हो रही है, नेफ्राइटिस की कंडीशन है तो और बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप पेन फुली यूरिन हो रहा है, दर्द के साथ यूरिन पास करने जाते हैं तो दर्द होता है, जलन होता है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है और साथ साथ ब्लड के थक्के भी आते हैं, ब्लड के बूंद भी उसमें आते हैं, ब्लडिंग रहते हैं, कटिंग पेन होता है और जेली लाइक यूरिन
पास आउट होता है और बहुत कम यूरिन होता है, बहुत परेशानी से, बहुत डिफ़िकल्टी से यूरिन पास आउट होता है। उस समय इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बहुत कम यूरिन होगा। तो इस कंडीशन के लिए कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात 1 मंथ तक आपको लेना है। इससे आपकी एनूरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और बिल्कुल आप चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जाने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, साथ ही साथ शेयर का ऑप्शन है शेयर कर दें, और कमेंट में अगर कुछ करना लिखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।